आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद दीपक प्रकाश ने धनबाद से विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस कड़ी में सांसद ने भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के लिए समर्थन मांगा और वोट देने की अपील की। जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए, कमान संभालते हुए और क्या कुछ कहा सांसद दीपक प्रकाश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सांसद दीपक प्रकाश ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चलाया जनसंपर्क अभियान, ढुल्लू महतो के लिए लोगों से वोट देने की अपील। कहा, जीता तो कायस्थ समाज के लिए बनवाऊंगा चित्रगुप्त मंदिर। झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के लिए समर्थन मांगा। दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। वहीं दीपक प्रकाश ने कायस्थ समाज के गौरवशाली इतिहास को भी विस्तार से बताया और कहा कि कायस्थ समाज हमेशा से राष्ट्रहित के लिए अग्रसर रहे हैं। वहीं दीपक प्रकाश ने खुलेआम घोषणा करते हुए कहा कि कायस्थ हमेशा से राष्ट्रवादी था, है और रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि अगर वे जीतते हैं तो कायस्थ समाज के लिए चित्रगुप्त भगवान का मंदिर बनवाएंगे। ढुल्लू ने कहा कि बागमारा के कायस्थ का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर पर दबाव बनाकर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था, जिसमें उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ था। वे हमेशा से कायस्थ समाज के लोगों का सम्मान किए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजीमो प्रदेश महामंत्री रूपेश सिन्हा, महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय, ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन, अजय नारायण लाल ने बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को भारी से भारी मतों से जिताने की अपील की। स्पेशल डेस्क, TV45 न्यूज़।